यहाँ शिक्षा बिल्कुल नहीं है, शिक्षा बिल्कुल बिल्कुल नहीं, 0% है, बिल्कुल बिल्कुल। आपको वोट यहाँ अंधकार में हो जाता है। अच्छा, हाँ, यहाँ अंधकार में ही वोट होता है। और मोदी जी जो है बीते 10 साल में वो प्रधानमंत्री रहे हैं भारत का, और जिस प्रकार उन्होंने डंका बजाया है उस प्रकार डंका इधर दिख नहीं रहा है। 5 किलो राशन में एक आदमी महीना भर हो जाता है? नहीं होता है, लेकिन का कीजिएगा, एक भ्रम कहिए, भ्रम कहिए, सहारा। शिक्षा का, रोजगार, बेरोजगार का भी समस्या है, बेरोजगारी बहुत है। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इस जजरा गांव में, और इस गांव का क्या माहौल है, चुनावी माहौल क्या मुद्दा है, इसको लेकर के बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति जुड़ चुके हैं, चाचा जी जुड़ चुके हैं, बात करते हैं। सबसे पहले नाम क्या बच्चा आपका? धर्मदत्त पाल। धर्मेंद्र पाल, कहाँ से हैं वैसे आप? हम तो अभी यहीं पर गुजर बसर हो रहा है, जजरा गाँव में हो रहा है शुरू से ही। क्या है चुनाव का माहौल इधर, थोड़ा बताइए। चुनाव का माहौल आपको देखिए, यहाँ लोकल पार्टी जो है उसी का थोड़ा सा बोलबाला है। अच्छा, लोकल पार्टी में कौन कौन? जामू, जेएमएम का बोलबाला है। तो क्या, जैसे अभी लोकसभा का चुनाव चल ही रहा है, झारखंड में तो होना बाकी है, तो क्या क्या मुद्दा पे अगर वोट होगा, क्या क्या मांगे रहेंगी, या क्या इस क्षेत्र में समस्या, क्योंकि समस्याएँ हर एक क्षेत्र में अलग अलग होता है, लेकिन तो इस क्षेत्र में क्या समस्याएँ? यहाँ क्षेत्र समझिए कि एकदम संथाली बेल्ट है, इसमें पीने खाने का समस्या मिल जाए अच्छा है, वो कि नौकरी और आपको पढ़ाई लिखाई का समस्या यहाँ पर नहीं है। अच्छा, जीरो चल रही है। उन लोगों को समझे में नहीं आता कि हाँ पढ़ाई या शिक्षा भी कोई चीज़ है। तो मतलब आप बोलना ये चाह रहे हैं कि समस्या ही नहीं है पढ़ाई का, पढ़ाई तो मिल ही नहीं रहा, तो समस्या है ना वो? समस्या नहीं, कैसे ये समस्या तो है। अच्छा, शिक्षा का, रोजगार, बेरोजगार का भी समस्या है, बेरोजगारी बहुत है। 5 किलो अनाज पर लोग जी रहे हैं, कैसे हो जी का रहे हैं, वो कैसे हो आपको मेंटेन कर तो रहे हैं। 5 किलो राशन में एक आदमी महीना भर हो जाता है? नहीं होता है, लेकिन का कीजिएगा, एक तो भ्रम कहिए, भ्रम कहिए, सहारा भी नहीं ना, भ्रमे कहिए कि चलिए ठीक है, अब कोई सरकार नहीं इतना की तो थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, आपको हकीकत में कुछ नहीं मिल रहा है। गाँव में हम देखे तो इस गाँव में नदी पहाड़ से घिरा ये गांव है, और आप बगल में देखेंगे तो ये खपड़ैल का घर, अल्बेस्टर का घर मिलेगा, मतलब ये विकसित गांव हमें नज़र नहीं आ रहा, ना हमें स्कूल दिख रहा है, ना आंगनबाड़ी टाइप में दिख रहा है। आप बता रहे हैं कि कोई यहाँ रोजगार का भी साधन नहीं है, यहाँ जब वोट करते हैं तो क्या सोच के लोग वोट करते हैं? आपको वोट यहाँ अंधकार में हो जाता है। अच्छा, हाँ, यहाँ अंधकार में ही वोट होता है, और इसको का कहिएगा, अच्छा, जो जैसे पी खा के अपन दे दिया, अपना पी खा के दे देता है, पर्सनल जो है नेता लोग, लोकल नेता लोग अपना कर देते हैं, मतलब नेता लोग आता है थोड़ा सा 100-200 रुपया ही कर दिया, साज बिहार करके अपना कर लेता है लोग। अच्छा, तो आप भी वोट मारते हैं तो क्या माहौल मारते हैं? तो हम लोग तो टीचर हैं, हम लोग को जहाँ जरूरत है वहाँ का मारेंगे ना। अच्छा, आप पढ़ाते हैं ट्यूशन या स्कूल पढ़ाते हैं? ट्यूशन में पढ़ाते हैं। वैसे आप स्थानीय हैं कहाँ? बनारस से पढ़ेंगे, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, गाजीपुर बनारस, उत्तर प्रदेश से आप? उत्तर प्रदेश। तो कितना दिन से आप यहाँ हैं? शुरू में से, आपको पढ़ाई लिखाई करने के बाद फूफा लोग थे सीसीएल में, इसे आ गए, आ गए तब यहाँ आ गए, मतलब लगभग अराउंड कितना दिन हो गया होगा, कई साल? 30 साल हो गए। 30 साल, 30 साल आप झारखंड को आप जॉब किए हैं, क्या लगा इस क्षेत्र के बारे में, क्या मानना आपका? देखिए, यहाँ पर बाहरी लोग थे तो अपना ठीक था, वो लोग समझदारी के थे, लेकिन अब तो मैंने कि सब लोकल संस्थान संथाली लोग हो गए, तो इन लोगों का व्यू हो गया, मार्गदर्शन हो गया कुछ अलग ही लगता है, क्योंकि आज यहाँ शिक्षा बिल्कुल नहीं है। शिक्षा बिल्कुल बिल्कुल नहीं, 0% है, बिल्कुल बिल्कुल। वही जो देखने आ रहा है, स्कूल स्कूल भी नहीं है, आप खाली कोचिंग चलाते हैं? कोचिंग चलाते हैं। कौन कौन से, कौन क्लास? सारे सब्जेक्ट है मेरे पास। ओ, मैट्रिक तक है, 10 तक। स्टूडेंट आते हैं? हाँ हाँ। क्या संख्या रहता है स्टूडेंटों का? वही 30-35 लगभग। 30-35, हाँ, जिन्हें खाने में हो जाता है। तो ये देखिए हालत जो है इस गांव का, बता दें पहले ही, मतलब मैंने बताया कि ये हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के और बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र के, यहाँ का जो विधायक हैं अम्बा प्रसाद जी हैं, कांग्रेस से विधायक हैं, और यहाँ का जो सांसद हैं वो जयंत सिन्हा हैं, जो कि बीजेपी से हैं। यहाँ बहुत सारे देश में विकास के डंके बज रहे हैं, दुनिया भर में, देश भर में, देश विदेश में, मोदी जी ये किया वो किया, लेकिन धरातल पर देखें तो वो विकास जो है नज़र नहीं आता, विकास मतलब विलुप्त हो जाता है न। यहाँ आप देखेंगे इस गाँव में खपड़ैल का घर नज़र आ रहा है,
पीएम आवास मिला है और ना ही किसी को शिक्षा मिल रहा है ढंग का, और ना ही किसी का सुविधा मिल रहा है। स्वास्थ्य का क्या हालचाल है यहाँ? हॉस्पिटल वगैरह है कल वगैरह? नहीं, नज़दीक में कोई हॉस्पिटल नहीं। कोई नहीं, कोई अगर वैसा कुछ बीमारी वगैरह कुछ हुआ तो आप सीधे रांची जाना पड़ेगा, रिम्स रिम्स कहिए। और जाने का सुविधा वगैरह? जाने का सुविधा देखिए, प्राइवेट से अपना जाइए, यहाँ कोई आपका वैसा कुछ है नहीं। अच्छा, अब यहाँ पतरातू नज़दीक ब्लॉक पड़ता है आपको, तो रामगढ़ क्षेत्र में है, यहाँ बड़का गाँव क्षेत्र में कोई सुविधा है नहीं। ये चीज़ जो भी है आपको रामगढ़ क्षेत्र में नदी पार करने के बाद आऊँगा तो रामगढ़ जिला हो जाता है, तो वहाँ जैसे कि आप प्राइवेट से भी यहाँ। अभी ये आप बोल रहे संथाली जो बेल्ट है, ये मतलब संथाली लोग यहाँ हैं, मतलब आदिवासी लोग झारखंड में, सरकार जो है आदिवासी का सरकार है, और 2000 जब से झारखंड अलग हुआ है तब से हमेशा से देखे झारखंडियों का ही सरकार, मतलब सॉरी आदिवासियों का ही सरकार रहा, सिर्फ एक जो कार्यकाल रघुवर दास का सिर्फ अलग था। तो आदिवासियों का यहाँ कुछ उद्धार क्यों नहीं हुआ? विकास, कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं। आपको ये ऐसा है कि जो इसी में नेता लोग हैं, इन्हीं के नेता हैं, इन्हीं से मिलता है तो अपना पेट तो भर लेते हैं। वो तो एक हम यहाँ के लोगों से बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि रैली जो होता है वो रैली में हम जाते हैं और पैसा मिल जाता है 100-200 रुपया, खाने पीने का कुछ मिल जाता है, हम लोग रैली से आते हैं। और पूछे उनको कि आपको आवास वगैरह मिला, तो बोला कुछ नहीं मिला, कोई सुविधा वैसा नहीं, कोई सुविधा वैसा कुछ। तो अब चुनाव को लेकर के आपका क्या मानना है? देखिए, अब चुनाव को क्या कहिएगा, धरातल पर जो मोदी हैं, मोदी को तो हम लोग शिक्षित हैं, ऐसे भी देख रहे हैं कि देखिए हमको पर्सनल कुछ मिले या ना मिले, यहाँ की जनता को, भारत की जनता को बहुत कुछ मिला हुआ है। तो आपके क्षेत्र में तो नहीं मिल रहा है, आप ही तो बता रहे हैं। क्षेत्र में तो हमारा ये कहिए कि हम तो कैसे, आप देश भी इंग्लैंड में कहा हो रहा है वहाँ, और अमेरिका में कहा हो रहा है, उससे क्या मतलब है सर? हमारे क्षेत्र में जो आपके क्षेत्र में यहाँ स्थानीय को मतलब नहीं मिल रहा है, तो कैसे बिलीव करेंगे कि मिल रहा है? नहीं, इसको बिलीव तो नहीं करना, वो तो प्रेजेंट में है कि नहीं मिल रहा, तो रियल बात नहीं माल है, नहीं मिल रहा है, लेकिन रह गया कि शायद मोदी सरकार हो जाए, शायद तो कोई किसी का मतलब आशीर्वाद पड़े इस क्षेत्र को लेकर के विकास होगा ना, तो शायद उनका मनोबल जो है या मनोकामना है पूरा हो, कुछ तो होगी, मतलब वोट जो है प्रधानमंत्री कौन आने वाला है आप सीधा बताइए। तो वही चीज है, हमारे विचार से तो वही है, हमारा वोट वहीं चलेगा कुछ भी हो, अपना अपना मानना है, इनका विचार है कि मोदी जी हैं, और मोदी जी जो हैं बीते 10 साल में वो प्रधानमंत्री रहे हैं भारत का, और जिस प्रकार उन्होंने डंका बजाया है उस प्रकार डंका इधर दिख नहीं रहा है, आपने देख रहे होंगे। अब ये तो बताने वाली चीज़ है, दिखाने वाली चीज़ है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ कोई आवास वगैरह कोई ना पीएम आवास योजना के तहत, मैंने 2-3 इंटरव्यू भी किया उधर, नहीं मिल रहा है, और ना पानी आता है समय पे, सिर्फ नल लगा दिया गया है, आधा घंटा एक घंटा पानी आता है, वो भी गर्मी का दिन है तो नहीं आता है। तो ये कुछ हालचाल है, इसे चुनावी यात्रा को लेकर के कवर कर रहे थे, गाँव का नाम बता ही दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।